दोस्तों आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी जिगर का आज टीजर आया। आपको याद हो तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जिगर का अपडेट क्या है, ये ओटीटी पे भी आ सकती है या फिर सिनेमाघर में आ सकती है। मैंने ये भी बोला था ओटीटी पे आएगी, ये उड़ती उड़ती खबर है, ये पक्की खबर नहीं है। लेकिन अभी आज के इस टीजर में ये कन्फर्म हो चुका है कि ये जो मूवी है जिगर, ये ओटीटी पे नहीं सिनेमाघर में आ रही है। 11 अक्टूबर को ही आ रही है, आपको याद हो तो। इसका कंगवा भी 11 अक्टूबर को आ रहा है, अभी इसका रिलीजिंग डेट पोस्टपोन नहीं हुआ है, तो अभी कह सकते हैं कि हाँ कंगवा भी आ रहा है 11 अक्टूबर को। तो एक टफ भिड़ंत होने वाली है 11 अक्टूबर को अगर ये मूवी आती है तो। इस मूवी की टीजर 2 मिनट कुछ सेकंड की थी और टीजर में हमें देखने को मिला आलिया भट्ट पहले में डायलॉग कहती है, बैठी हुई रहती है कहीं पे और डायलॉग बोलती है, माँ थी वो मर गई और बाप था वो मर गया माँ के गम में। और फिर माँ बाप के जो रिश्तेदार थे वो इन दोनों भाई बहनों को रखे और रख कर पाले और वो भी एहसान गिराने लगे। और इनका जो भाई है वो अपने भाई के प्रति, ये आलिया भट्ट बहुत ही पॉजिटिव रहती है, और इनका भाई कुछ कारणवश जेल में चला जाता है और उनको जेल से छुड़ाने के लिए ये कैसा युद्ध करती है, कैसे लोगों से लड़ती है और जेल के दीवारों को फांदती है, तोड़ती है और फिर वो अपने भाई को बचाती है। अमूमन आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े सिनेमा में हमें देखने को मिलते हैं कि जो भाई रहता है वो बहन की रक्षा करता है, लेकिन यहाँ पे बहन अपने भाई की रक्षा करेगी, तो ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है हमारे बॉलीवुड सिनेमा के लिए। सेम इस तरह की कॉन्सेप्ट वाली मूवी विद्या बालन की आई थी, वो माँ दुर्गा का रूप धर के अपने दुष्टों का संहार करती है और आलिया भट्ट अपने भाई के लिए सारे जमाने से लड़ जाती है, उनको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करती है इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। और अभी अभी आई स्त्री अपने मतलब सिनेमाघर में वो दम लगाई श्रद्धा कपूर, और वो मूवी कितना ज्यादा हिट होगा ये कहने की बात नहीं है। इसके जो स्त्री 2 के मेकर्स है वो भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि इतना ज्यादा मूवी कलेक्शन करेगी। तो अभी स्त्री वर्सेज स्त्री का वार चलने वाला है बॉलीवुड में, अब शायद ही इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाए, श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 का रिकॉर्ड आलिया भट्ट तोड़ पाए। अगर 10% भी तोड़ देती है ये मूवी जो जिगर आने वाली आलिया भट्ट की, तो वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ वाली बात होगी। आपने देखा होगा ये आलिया भट्ट की एक और मूवी आई थी 2022 में गंगूबाई, तो उस मूवी में क्या कुछ इनका मतलब रूप था, अवतार था, ये देखते बनता था। इनका जो डायलॉग था वो एक एक डायलॉग वायरल हुआ था, आपने देखा होगा गंगूबाई का डायलॉग आलिया भट्ट का एक एक मतलब जो डायलॉग था वो फेमस हुआ था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आलिया भट्ट में दम नहीं है, दम है, लेकिन स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ना ये शायद ही बस की बात होगी इस जिगर मूवी में। तो देखते हैं क्या होता है आने के बाद, लेकिन अभी स्त्री वर्सेज स्त्री का वार चल रहा है बॉलीवुड में। अभी ये श्रद्धा कपूर के बाद एक और मूवी जिगर आने वाली है आलिया भट्ट की, इसमें भी पूरी तरह से स्त्री का को पावर दे दिया गया है सिनेमा में। तो आपको पता होगा इसके डायरेक्टर वसंत बाला, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इनको बोला जाता है कि माइंड गेम खेलने में ये माहिर है। और इसके स्टार कास्ट में आपको मैंने बोला था वेदान रैना जो है इनके भाई होंगे आलिया भट्ट की, तो वही इनके भाई हैं आलिया भट्ट के, वेदान रैना। और आलिया भट्ट आदित्य नंदा से प्यार करती है इस मूवी में, आदित्य नंदा नहीं देखने को मिले लेकिन आदित्य नंदा का भी इसमें रोल है। और इस टीजर में बहुत कुछ छुपा लिया गया है, जिगर में बहुत कुछ आना बाकी है। वो एक्शन सिक्वेंसेस जो थे वो अभी शुरुआत भर थे, अभी मूवी आना बाकी है, तो लगता है कि स्त्री को थोड़ा तो टक्कर देगी लेकिन उतना ज्यादा टक्कर नहीं देगी कि स्त्री को मतलब रिकॉर्ड तोड़ दे। मूवी चलेगी और भाई बहन का एक गाना है फूलों का तारों का, तो ये गाना जो है वो अच्छा वाइब देता है। और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ये मूवी बनी है जिगर, तो आप देख सकते हैं जाकर इससे फैमिली के साथ। आपको पता होगा धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले जो भी मूवी बनती है वो फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, तो आप जरूर फैमिली के साथ इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको वेट करना होगा अभी 1 महीना के लिए, क्योंकि 11 अक्टूबर को ये मूवी आ रही है। जैसे ही मूवी आती है तो हम देखते हैं कि मूवी कैसी होने वाली है और ट्रेलर का इंतजार रहेगा मुझे भी और आपको भी। आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर का रिव्यू कैसा लगा। आज के टाइम मिलेंगे, जय श्री राम।